छोड़ती नहीं है, टीम गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं और यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में रवि दहिया बनाम नाइजीरिया के विल्सन। कृपा जी ये बाउंड्री के जल्दी समाप्त होगी? बिल्कुल नहीं होगी, अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन जो आप जैसे बोलते हैं ना किसका पल्ला भारी है, वो रवि का पल्ला भारी है, कहीं ना कहीं लपेट लेंगे, लंबे हाथ हैं। यहाँ पर नाइजीरियन रेसलर पैरों से ही कमजोर है और रवि बखूबी ये बात जानते हैं। काफी अच्छे लेग अटैक देखने को मिलेंगे। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले रहे हैं रवि कुमार दहिया और पहली बार फाइनल में भी पहुंचे हैं और गोल्ड मेडल की प्रबल आशा है। पहला लेग अटैक विल्सन का है पर डिफेंस किया है रवि ने, तुरंत देखिए ऊपर से पकड़ लिया ताकि नाइजीरियन घूम ना सके और साइड में चले गए, कुंदे फेंकने का प्रयास करेंगे, थोड़े से हिप्स उठाएंगे और पीठ की तरफ डेंजर कर देंगे, इसीलिए नाइजीरियन पहलवान अपना हिप्स नहीं उठा रहे हैं। नाइजीरियन हारते हारते बचे हैं, डिफेंस दोनों का बेहतरीन था, पहले रवि ने डिफेंस किया फिर विल्सन ने डिफेंस किया, वेल डन विल्सन, वरना रवि तो आपको चित करने के मूड में थे। विल्सन ने लेग अटैक करके देख लिया, दोबारा लेग अटैक विल्सन का, अब मौका रवि दहिया का है, क्या वो भी लेग अटैक करके दिखाएंगे? कोशिश थी, दोनों को दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा, अग्रेशन बराबर है, अटैकिंग रेसलिंग कर दी क्योंकि दोनों लेग अटैक अब तक विल्सन ने किए हैं। रवि ने डिफेंस कमाल कर किया, पहला अटैक वो निकल भागे विल्सन, बाल बचे, अच्छी चतुराई दिखाई विल्सन ने, लेकिन रवि का पहला अच्छा अटैक था और अब पूरा स्टेडियम रवि को दो पॉइंट लेते हुए देख रहा है और अब फीतले बंद गए हैं प्रभु, 2+2=4+2=6, अंदर आइए बाहर बन जाइए, 2-8, 8-0 की लीड, 2 पॉइंट और चाहिए, गोल्ड मेडल आने वाला है। प्रोटेक्शन एरिया से बाहर चले गए, अगर थोड़ी जगह और होती तो सुनील ये गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल तो है अभी भी है कृपा जी और संभवतः है इसी, ओ बच गए वरना ये दोबारा से टेक डाउन था। रवि दहिया ने अपनी श्रेष्ठता दिखाई है और अगर और